गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम डी यू एम एस सी इंट्रेंस एग्जाम 2018 में ग्रुप थ्योरी से पूछे गए सभी 5 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। लेट स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, लेट जी बी एन आबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2018 एंड एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम जी टू जी बी डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 5, देन इनमें से कौन सा ट्री होगा। पूछ रहा है ऐप क्या ऑटोमोर्फिज्म होगा, या ऐप नॉट इंजेक्टिव होगा, ऐप नॉट सर्जेक्टिव होगा, या देयर एग्जिस्ट एक्स इज नॉट इक्वल टू ई बिलोंग्स टू जी सच दैट एप ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स। इंजेक्टिव को मीन्स 1 1, सर्जेक्टिव मीन्स 1 2, राइट। अब देखिए एक रिजल्ट है बुक में, इसका आप प्रूफ मिल जाएगा। अगर जी कोई आबेलियन ग्रुप है उसका ऑर्डर क्या है, फाइनाइट। सपोज करो हमने एन मान लिया। एफ कोई मैपिंग है जी टू जी, इस प्रकार से है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एम, वेयर एम क्या है, ग्रेटर देन 1, लेस देन एन। इस प्रकार से कि एम और एन इनका जी सी डी क्या है, जी सी डी 1 है, तो इस प्रकार की मैपिंग क्या होगी, एन ऑटोमोर्फिज्म। चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए अपने को यही ध्यान रखना है कि एम क्या है, एन क्या है, क्या इनका जी सी डी 1 है, तो इस प्रकार की मैपिंग क्या होगी, ऑटोमोर्फिज्म। इस रिजल्ट से ये वाला हो रहा है क्यों, यहाँ हमारे पास एम क्या है, एम इज इक्वल टू 5, एन इज इक्वल टू 2018, जी अबेलियन ग्रुप भी है। दिस मीन्स इस रिजल्ट की कंडीशन फुलफिल हो रही है, और साथ ही 5 और 2018 का जी सी डी क्या है, 1 है। दिस मीन्स ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं। एफ क्या होगा, एक ऑटोमोर्फिज्म। ये लो जी एफ एक ऑटोमोर्फिज्म, और सभी कैंसिल हो जाएंगे। चाहे यहाँ आपको कैसा भी क्वेश्चन दे दे, अमूमन ऐसा आता रहता है क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 7। यहाँ थोड़ा सा चेंज कर दिया और क्वेश्चन पूछ लेते हैं अमूमन। तो आप इस रिजल्ट की मदद से इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन लगा सकते हो। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेट सिग्मा इज इक्वल टू दिस बिलोंग्स टू S7, देन ऑर्डर ऑफ सिग्मा। ये अपने को कोई S7 से परमुटेशन दे रखी है, इसका अपने को ऑर्डर पूछा है। किसी भी परमुटेशन का अगर अपने को ऑर्डर फाइंड आउट करना रहता है तो क्या करना पड़ेगा, जो भी परमुटेशन गिवन है इसको डिसजॉइंट साइकिल के रूप में तोड़ लो। डिसजॉइंट साइकिल के रूप में तोड़ लिया। सपोज दैट अपने को मिला सिग्मा इज इक्वल टू C1, C2, C3 एंड CN। ये अपने को किसी भी परमुटेशन के डिसजॉइंट साइकिल मिल गए, तो ऑर्डर ऑफ सिग्मा क्या होगा, LCM ऑफ ऑर्डर ऑफ C1, ऑर्डर ऑफ C2 एंड सो ऑन, ऑर्डर ऑफ CN। ठीक है, ऑर्डर ऑफ C1 क्या होगा, लेंथ ऑफ डिसजॉइंट साइकिल C1, ऑर्डर ऑफ C2 लेंथ ऑफ डिसजॉइंट साइकिल C2, राइट। तो यहाँ देखिए यहाँ सिग्मा क्या है अपना 3 7 1 2 5, 4 3 2 1 6। इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 1 की इमेज 6, 6 की इमेज 6, ये लो जी 6 की इमेज 4, 4 की इमेज 4, 4 की इमेज 3, 3 की इमेज 7, 7 की इमेज 7, 7 की इमेज 1, ये वाला क्लियर हो गया। अब देखिए 2, 2 की इमेज 1, 1 की इमेज 2, 3, 3 की इमेज 2, 2 की इमेज 5, 5 की इमेज 5, 5 की इमेज 3। तो ये क्या बन गया अपने पास, 1 6 4 7 3 5। डिसजॉइंट परमुटेशन के प्रोडक्ट के रूप में लिख लिया। इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर 4, इसका ऑर्डर 2, देन ऑर्डर ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू LCM ऑफ 4 2 इज इक्वल टू 4, देन ऑर्डर ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू 4, राइट ऑप्शन अपना बी। क्या किया हमने, इसको डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट के रूप में लिख लिया। फिर साइकिल की अपने को ऑर्डर क्या पता है, उसकी लेंथ के इक्वल होता है, इसकी लेंथ 4 है,
फोर, इसकी टू, इनका एलसीएम इज इक्वल टू फोर, राइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको देखिए, थोड़ा सा टेक्निकल प्रूफ है। लेट जी इज इक्वल टू ए वन ए टू एंड सो वन ए ट्वेंटी फाइव बी एन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 25, ये अपने को कोई ग्रुप गिवन है 25 ऑर्डर का। फोर बी सी बिलोंग्स टू जी, बी और सी जी के दो मेंबर हैं। लेट बी जी इज इक्वल टू, ये अपना बी का जी में लेफ्ट को सेट गिवन है और ये सी का जी में राइट को सेट गिवन है, तो पूछा है इनमें से कौन सा ट्री होगा। चलिए देखते हैं, जी का ऑर्डर कितना है 25, दिस मीन्स 5 स्क्वायर अर्थात पी स्क्वायर फॉर्म का है, वेयर पी क्या है प्राइम। दिस मीन्स ये ग्रुप ऑफ ऑर्डर 25 क्या होगा, एक अबेलियन ग्रुप होगा, अबेलियन ग्रुप होगा। अबेलियन ग्रुप के लिए क्या पता है हमें, ए जी इज इक्वल टू जी ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, जी का कोई भी मेंबर हो उसका लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इक्वल होते हैं। इसका मतलब बी जी इज इक्वल टू जी बी एंड जी सी इज इक्वल टू सी जी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इक्वल की बात लेकर चल रहा है तो एक बार इसको इक्वल मान लेते हैं, क्या होता है, लेट बी जी इज इक्वल टू जी सी इफ एंड ओनली इफ जी सी, जी सी को क्या लिख सकते हैं सी जी, बी जी इज इक्वल टू सी जी। ये कब होता है, आपने कोसेट में पढ़ा होगा, इफ एंड ओनली इफ सी इनवर्स बी बिलोंग्स टू जी, राइट। या और क्या लिख सकते हो, बी इनवर्स सी बिलोंग्स टू जी, बी भी किसका मेंबर, जी का मेंबर, सी भी जी का मेंबर, तो बी इनवर्स किसका मेंबर, जी का मेंबर, सी भी किसका मेंबर, जी, तो ये तो वेकुसली होगा। इसका मतलब इसके लिए कंडीशन क्या है, ये इसके मेंबर होना चाहिए, ये तो ऑलरेडी इसके मेंबर है, इसका मतलब बी जी इज इक्वल टू जी सी फॉर ऑल बी सी बिलोंग्स टू जी, राइट। चाहे बी और सी कुछ भी मेंबर हो, बी जी इज इक्वल टू जी सी ऑलवेज ट्री होगा, लेकिन कब होगा, जब अपना ग्रुप अबेलियन हो, मीन्स पी स्क्वायर टाइप का हो या और कोई ग्रुप हो, लेकिन वो अबेलियन होना जरूरी है। सपोज दैट अपने को यह कोई ग्रुप गिवन होता दूसरे ऑर्डर का और अपने को बोल दिया होता कि ये अबेलियन ग्रुप है, तो भी हम इस टाइप के क्वेश्चन को लगा सकते थे अबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी से, ये फोर ऑल बी सी बिलोंग्स टू जी के लिए ये वाला ट्री हो जाएगा, राइट ऑप्शन अपना ए। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, यहाँ ध्यान रखना फॉल्स पूछा है, ट्रू नहीं पूछा। कई बार जल्दबाजी में क्या करते हैं, इसको ट्रू समझ बैठते हैं, फर्स्ट ऑप्शन फटा, अगर ट्रू मिला तो क्लिक लगाया, आगे बढ़ गए, अपना नंबर कट गया और मामला गड़बड़ा गया। तो थोड़ा सा फॉल्स और ट्रू वाले को ध्यान से पढ़ें, फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकेंड एंड थर्ड और फोर्थ, इनमें से कौन सा राइट है, सभी एक थ्योरम के स्टेटमेंट हैं। चलिए फर्स्ट को देखते हैं, फर्स्ट क्या बोल रहा है, एवरी कोसेंट ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, राइट। अगर जी कोई ग्रुप है, एच को इसका नॉर्मल सब ग्रुप है, और एच क्या है साइक्लिक है, तो हमारे को पूछा है क्या जी अपॉन एच ये साइक्लिक होगा या नहीं होगा, ये बिल्कुल साइक्लिक होगा, इसका पर्टिकुलर एक थ्योरम है, ठीक है। इसका मतलब ये वाला तो अपना राइट है। इसी प्रकार ये वाला देखो, इसमें क्या अबेलियन के केस में पूछा है, ठीक है, तो जी कोई ग्रुप है, एच इसका नॉर्मल सब ग्रुप है, और एच क्या अपना अबेलियन, तो जी अपॉन एच भी क्या होगा अबेलियन। अगर इसका प्रूफ देखना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में इसका हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, उस पर जाकर आप देख सकते हो, ये दोनों का उसमें प्रूफ हमने गिवन है। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी राइट है, लेकिन अपनों को तो क्या पूछा है, फॉल्स पूछा है, इसका मतलब ये तो हम करेक्ट स्टेट करेक्ट ऑप्शन नहीं है अपना। ये वाला देखिए, इफ जी इज ए ग्रुप एंड जेड जी इज सेंटर ऑफ जी, जी कोई ग्रुप है, जेड जी सेंटर ऑफ जी,
अगर ये पूछा है ये वाला क्या हो, साइक्लिक हो, तो जी क्या होगा, अबेलियन। बिल्कुल जी, अबेलियन होगा जी। इसका भी एक थ्योरम है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां जाकर इसका प्रूफ देख सकते हो। ठीक है, ये वाला भी अपना करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन अपने को तो क्या चाहिए, फॉल्स स्टेटमेंट। ये भी रिजेक्ट हो गया या डिस्कार्ड हो गया, बचा कौन, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, लेकिन कैसा होगा वो भी बता देता हूँ। हमने पढ़ा था फर्स्ट थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमोरफिज्म। क्या पढ़ा था, अगर एफ कोई होमोमोरफिज्म है जी टू जी डेस, तो एफ ओब जी इज आइसोमोरफिक टू जी बाई कर्नल ऑफ एफ, ऐसा पढ़ा था। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है एच इज आइसोमोरफिक टू जी अपॉन कर्नल ऑफ एफ। जी डैश की जगह हमने क्या मान लिया, ए बार एच मान लो, तो क्या ये तो जरूरी नहीं कि एफ ऑफ जी इज इक्वल टू एच हो। ये तो कब होता, जब अपने को गिवन होता कि एफ क्या है, कि ऑन टू मैपिंग है, राइट। लेकिन ऑन टू तो हमेशा होना जरूरी नहीं है, इसका मतलब ये किसके आइसोमॉर्फिक होता है, एफ ऑफ जी के, वो किसका सबसेट होता है या सब ग्रुप किसका होता है, एच का। लेकिन इसके आइसोमॉर्फिक होना तो जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अपना ये वाला इनकरेक्ट, सॉरी ये वाला इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। अगर ये देता जी अपॉन कर्नल जी मॉडुलो कर्नल ऑफ एच विद एफ ऑफ जी, देन ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाता। लेकिन यहाँ इसने क्या दिया है, एच एच इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑलवेज, देन दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अपने को फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है, राइट ऑप्शन अपना ये सी वाला क्या हो जाएगा, अपना अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, राइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, द लेट पी बी ए प्राइम एंड जी बी ए नॉन अबेलियन पी ग्रुप, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ एम सच दैट पी टू द पावर एम डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी मोडुलो जेड जी। यहाँ देखो दो नाम आ रहे हैं, नॉन अबेलियन पी ग्रुप, ऐसा कोई पी ग्रुप है जिस जो क्या है नॉन अबेलियन। तो पहली बात, पी ग्रुप क्या होते हैं जी, पी ग्रुप मीन्स कोई भी ग्रुप जी जिसका ऑर्डर क्या हो पी टू द पावर के फॉर्म में हो, और वो क्या किस प्रकार से हो, नॉन अबेलियन, ठीक है। तो ऐसा लिस्ट ऑर्डर क्या होगा पी ग्रुप का जो क्या हो, नॉन अबेलियन। हम कोई ग्रुप जी ले सकते हैं जिसका ऑर्डर क्या हो, एट हो, इसको ऐसे लिखते हैं 2 की पावर 3, फॉर एग्जाम्पल क्यू एट, ठीक है। ये क्या है, नॉन अबेलियन भी है, ठीक है, पी ग्रुप भी है, क्यों 2 की पावर 3, पी टू द पावर के रूप में है, तो नॉन अबेलियन पी ग्रुप है। अगर इसे छोटा लेंगे तो या तो वो पी ग्रुप नहीं होगा या वो नॉन अबेलियन नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए जी क्या है अपना, क्यू एट ले लिया, इसका ऑर्डर क्या है, एट, राइट। देन ऑर्डर ऑफ जी बाई जेड जी, इसकी क्या पॉसिबिलिटी बनती है, या तो ये हो सकता है 1 हो सकता है, या पी हो सकता है, या पी स्क्वायर हो सकता है, या पी क्यूब हो सकता है, जहाँ ये क्या है 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब, राइट। लेकिन हमें क्या पता है जी कोई पी ग्रुप है, तो ऑर्डर ऑफ जेड जी, ऑर्डर ऑफ जेड जी क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी देखिए, क्या इसका 2 हो सकता है, 2 मीन्स प्राइम पी, ऑर्डर ऑफ जी बाई जेड जी, अगर ये प्राइम हो, ऑर्डर ऑफ जेड जी 2 मीन्स ये क्या हो, जी अपॉन जेड जी क्या हो जाएगा, अपना साइक्लिक ग्रुप, क्यों, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। अगर इसका ऑर्डर 2 है, 2 तो प्राइम है, इसका मतलब ये वाला क्या होगा, साइक्लिक। दिस इंप्लाइज जी क्या होगा, अबेलियन। लेकिन जी तो क्या देर का है, नॉन अबेलियन, इसका मतलब 2 भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखिए क्या 2 की पावर क्यूब हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्यों, ऑर्डर ऑफ जेड जी क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, देन ये भी
पॉसिबल नहीं है। बचा कौन? टू स्क्वायर। दिस मीन्स ऑर्डर ऑफ जी बाई जेड जी इज इक्वल टू टू स्क्वायर, राइट? टू स्क्वायर या बोले तो पी स्क्वायर। अब देखो टू की पावर के या पी की पावर के डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी बाई जेड जी, राइट? के की छोटी से छोटी वैल्यू क्या होगी? ये क्या है अपना? टू स्क्वायर। के की छोटी से छोटी वैल्यू क्या होगी? वन। के इज इक्वल टू वन, तो टू की पावर वन डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी बाई जेड जी दिस इक्वल टू टू की पावर टू, राइट? तो अपना आंसर क्या होगा? बी वाला, ये फर्स्ट कि एम की लिस्ट वैल्यू वन होगी, जिसके लिए पी की पावर वन डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी बाई जेड जी, राइट? ठीक है, आई होप ये पांचों क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसमें जो भी हमने फैक्टर यूज लिए हैं, जैसे एक तो हमने ये लिया है कि जी अपॉन जेड जी, अगर ये साइक्लिक हो तो जी अबेलियन होगा, ठीक है? इसका हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ जाकर इनका आप प्रूफ भी देख सकते हैं। और भी अगर आप डी यू एम एस इंट्रेंस के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाइए, हमने वहाँ डी यू एम एस इंट्रेंस एग्जाम टॉपिक वाइज पेपर सॉल्यूशन इस नाम से प्लेलिस्ट बना रखा है, वहाँ जाकर आप 2018 एंड 2019 दोनों के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देख सकते हो। थैंक यू सो मच।